हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डीआईवाई लेकर के आई हूं, जिससे आपके बालों की समस्याएं जो है ना छू मंतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा अगर आपके बालों में टूटने झड़ने की समस्याएं हैं, कुछ भी कर लेते हो लेकिन कुछ भी करते हो आपके बाल टूटना झड़ना बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, तो आज का ये डीआईवाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके बालों से जितनी भी समस्याएं हैं, खास तौर पे टूटना झड़ना और नए बाल बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, तो सभी के सभी जो है समस्याएं दूर होने वाली है। बहुत ही अच्छा वाला डीआईवाई है, जरूर ट्राई करें। अच्छा लगे वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर डीआईवाई, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का हेयर डीआईवाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा सामग्री, वो सामग्री आपके किचन में हर घर में अवेलेबल होता है, वह है हमारा चावल। तो चावल आप यहाँ पे किसी भी तरीके का चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉइल्ड राइस यूज़ करती हूँ, क्योंकि खाने पीने में अक्सर हम यही चावल इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं बॉइल्ड चावल के। तो कोशिश करें आप भी बॉइल्ड वाला चावल लेने का। तो बॉइल्ड वाले चावल के ऐसे भी बोला जाता है नॉर्मली बहुत फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है बॉइल्ड राइस ले रही हूँ, तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच ही आपको लेना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है। वैसे आप चावल में कोई भी चावल ले सकते हैं, सभी के सभी चावल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन बॉइल्ड चावल रहता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा जो हमारा मैजिकल सामग्री है, ये हमारा है मेथी दाना, फेनिग्रिक सीड्स। मेथी दाना बोला जाता है दोस्तों, अगर आपके बालों में आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो बोला जाता है गंजे सर पे भी ये बाल उगा देता है, इतनी इसकी शक्ति होती है। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़ है ये, घर में होता है, किचन में होता है, हर घर में होता है दोस्तों। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे डीआईवाईज में ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 1 चम्मच के आसपास, ये हमारा है फेनिग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाना। तो 2 से 3 चम्मच आप चावल ले लें, 1 चम्मच आपको यहाँ पे मेथी दाना लेना है। मेथी दाना के मैंने आपको बताया बहुत फ़ायदे होते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हमारा है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती तो आपको पता है दोस्तों, किचन में होता है, चाय बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़ होता है, कैफीन होता है, जो कि हमारे बालों में जो हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, टूटना झड़ना बालों का बहुत ही ज़्यादा बंद करता है। बहुत ही अच्छी अच्छी डीआईवाई इसके बनते हैं, तो मैं भी बहुत बार ट्राई करती हूँ, अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ, चाय के पत्ती का पानी का इस्तेमाल करती हूँ और फिर आपके लिए लेकर के आती हूँ मैजिकल डीआईवाईज। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच मैंने चाय का पत्ती ले लिया है और इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर दिए हैं। तो ये तीन चीज़ जो मैंने लिया है ना, तीनों के तीनों बहुत ही वरदान है हमारे बालों के लिए। अब यहाँ पे हमें इसको पानी में डालना है, लगभग 1 कप 2 कप पानी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से भिंगोना है, फूलने देना है। मिनिमम आप इसको 2 घंटा छोड़ सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम छोड़ना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, तो ओवरनाइट छोड़िए, इसके और भी ज़्यादा फायदे होंगे आपके बालों के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे ही छोड़ूंगी, क्योंकि जैसे मुझे डीआईवाईज हमेशा अपने बालों के लिए चाहिए होता है, तो मैं 2 घंटे इसको छोड़ के उसके बाद इसको जो है मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है पानी तैयार होने वाला है हमारे बालों के लिए। कलर देखिए, बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों ने अपने अपने कलर्स छोड़ दिए हुए हैं, कलर के साथ अपने अपने गुण भी इस पानी के अंदर छोड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पानी होने वाला है हमारे बालों के लिए। तभी क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम इसको छान लेंगे। इसके पहले मैंने अलग अलग तरीके का चाय का पत्ती का पानी का बहुत ही अलग तरीके का डीआईवाई बनाया हुआ है, सभी के सभी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इस पानी को यहाँ पे हम छान लेंगे बिना उबाले हुए, आज का हमारा डीआईवाई बनने वाला है। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो हमारा चावल और सभी चीज़ें बची हैं, इसका फेस पैक बना करके अपने फेस पे लगा सकते हैं, पिंपल्स वगैरह को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद ये जो हमारा पानी बचा है दोस्तों, इस पानी को यहाँ पे हम बिना उबाले ही यूज़ किए हैं, जो कि बहुत ही मैजिकल है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि शैम्पू करने के पहले, शैम्पू नॉर्मली लोग प्लेन लगाते हैं, लेकिन प्लेन शैम्पू ना लगा करके आप इस तरीके का पानी बनाइए। बहुत तरीके का पानी मैंने बनाया है, चाय पत्ती का पानी है, चावल का पानी, मेथी का पानी, बहुत तरीके का पानी मैंने बनाया है मेरे चैनल पे, सभी के सभी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो प्लेन शैम्पू ना लगा करके यहाँ पे आप जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें बिना केमिकल वाला जो शैम्पू होता है, बहुत ही कम केमिकल जिसमें हो, हर्बल शैम्पू जो हो वो इस्तेमाल करें, जो आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो के लिए यहाँ पे जो है सिंपल सा शैम्पू ले रही हूँ, बहुत ही कम केमिकल वाला। तो मेरे बाल लंबे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पाउच इस्तेमाल करूँगी।
आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, पतले, उसी हिसाब से आप यहाँ पे शैम्पू ले सकते हैं। जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू इस्तेमाल करें। और उसके बाद इस पानी में जो है शैम्पू का आपको अच्छे से घोल देना है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्लेन शैम्पू अपने बालों में ना लगा करके इस तरीके का डीआईवाईज बहुत ही इजी इजी होता है, सभी के सभी होम रेमेडीज होते हैं, हमारे बालों से हर तरह की समस्याओं को दूर करने में ये सभी घरेलू नुस्खे बहुत उपयोगी होते हैं दोस्तों। आपके बालों को जड़ से मजबूत करता है, बालों को खूबसूरत करता है, सिल्की सॉफ्ट करता है, टूटने झड़ने की समस्याएँ, डैंड्रफ की समस्याएँ जो है सबसे ज़्यादा होती है बालों में, उन सभी चीज़ों को ये दूर करता है। तो इस तरीके का डीआईवाई आप अपने बालों पर इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मग में, तो यहाँ पे हम जो है लगाने के लिए मैं बताऊँगी आपको किसको कैसे लगाना है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैं हमेशा शेयर करती हूँ और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दोस्तों, जितने भी डीआईवाईज है सब मैं मेरे बालों पे उपयोग करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, और तब जब फ़ायदेमंद होते हैं तभी जाके इसके जो है रिज़ल्ट अच्छे होते, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से आपको जो है बाल के ऊपर से जो जड़ों वाला पार्ट होता है वहाँ से आपको शैम्पू यूज़ करना है, लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे बालों को पहले गीला भी कर सकते हैं, साफ़ बाल है तो और भी अच्छा है, उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। तेल भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बालों में लगाने वाले तेल के भी वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं कि आप अपने बालों में कौन सा तेल लगाएं जिससे आपके बाल को जो है टूटने झड़ने की समस्याएं बिल्कुल दूर हो, नए बाल उगाने में हेल्प करे। सभी के सभी डीआईवाईज जो है बहुत ही बेहतरीन होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जड़ों से जो है शैम्पू को लगा करके, और यहाँ पे मैं तुरंत बाल से को जो है पानी से नहीं वॉश करूँगी दोस्तों। लगभग ये जो पानी हमने बनाया था उसके फ़ायदे बालों को कम से कम 5 से 7 मिनट तक होने दें, उसके बाद इसको आपको प्लेन पानी से वॉश कर लेना है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जड़ों से सिरों को लेकर के अच्छे से हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हल्का सा बालों को जो हमारा जो जड़ों वाला पार्ट होता है उसको हल्का सा मसाज दे जिससे आपके बाल और भी ज़्यादा मजबूत हो और जो पानी हमने बनाया था उसके फ़ायदे आपके बालों तक पहुँचे। और उसका यूज़ करने के बाद इसको इस तरीके से 5 मिनट तक छोड़ दे। 5 मिनट छोड़ने के बाद इसको अच्छे से आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। आपके बालों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टूटने झड़ने की होती है, क्योंकि बालों की जो जड़ होते हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और इसकी मदद से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ होते हैं, नए बाल बिल्कुल भी नहीं उगते हैं दोस्तों। तो नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वाला डीआईवाईज है, सबके सब डीआईवाईज बहुत ही ज़बरदस्त मैं लेकर के आती हूँ आपके सामने। मेरे बाल पहले से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, मैं बालों को कट कराना बंद कर दी हूँ, हल्का सा सिर्फ ट्रिम करती हूँ और इससे मेरे बाल बहुत ही सुंदर हो जाते हैं दोस्तों। तो सबके सब जितने हैं घरेलू उपाय हैं बहुत ही फ़ायदेमंद वाले होते हैं, आपके बाल को बहुत ही लंबा घना मुलायम करेगा दोस्तों। अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।